बीजेपी के एक विधायक का ज्ञान देश के इतिहास को चुनौती दे रहा है। इस विधायक को हर मुसलमान देशद्रोही नजर आता है और हर मदरसा आतंक की पाठशाला। यूपी की धरती से मुसलमानों पर शक करने वाला बीजेपी विधायक यूपी के अब्दुल हमीद को भी भूल गया। बीजेपी विधायक का बवाली ज्ञान, मदरसे में आतंकवादी बनता है मुसलमान, देश के मुसलमानों की विश्वसनीयता पर सवाल, राष्ट्रभक्त विधायक को देशद्रोही दिखता है मुसलमान। चौंकिए मत, ये बीजेपी विधायक का ज्ञान है, उस पार्टी के विधायक का ज्ञान जिसकी सरकार को मदरसे में पढ़ने वाले मुसलमान की राष्ट्रीयता पर पहले ही शक था और उसने झंडा फहराने और उसके सबूत को कैमरे में कैद करने का आदेश थोप दिया था। जब सरकार इसी सोच पर चल पड़े तो विधायक का सोचना लाजमी है। राष्ट्रभक्त पार्टी के राष्ट्रभक्त विधायक ने क्या ही डाला, मदरसे में आतंकी तैयार होते हैं। मुसलमानों पर बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह का ज्ञान सुनिए। आप मदरसों की बात करते हैं, उनका कथा सुनिए। संवेदना पूर्ण नहीं होता है, रस पूर्ण नहीं होता है, आक्रामकता भरा होता है। तो क्या वो सही था कि मदरसों में आतंकवादी तैयार हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं, मैंने हर जगह नहीं हो रहे होंगे लेकिन अधिकांश जगह हो रहे होंगे और इस पर जांच होनी चाहिए। मदरसों की जो हमारे आदरणीय जोगी जी के राज्य में बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। इसमें कुछ इस मामले में हमारे दोनों नेता बिल्कुल जो धैर्यनिष्ठ हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उसमें कहीं से कमी आने वाली नहीं। पल भर में ही मुसलमानों को देशद्रोही बना दिया था विधायक ने, उन्हें तो सेना में भर्ती मुसलमानों पर भी शक ही है। अब विधायक को कौन समझाए, इसी देश के लिए उसी बलिया से अब्दुल हमीद जैसे सैनिक ने मुसलमान होकर भी अपनी जान कुर्बान कर दी। मुसलमानों पर विश्वास कर सकते हैं, जब सेना में भर्ती होने वाला नौजवान सैनिक भी पाकिस्तान परस्त हो जाता है तो विश्वसनीयता का संकट मेरे पत्रकार बंधु पैदा हो जाता है। लगे हाथ विधायक सुरेंद्र सिंह ने खुद की पार्टी को राष्ट्रभक्तों की टोली होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया। ये सवाल पूछने पर कि क्या हर मुसलमान आतंकवादी है, विधायक जी थोड़े नर्म हुए, बोले अब्दुल कलाम को हमने ही राष्ट्रपति बनाया। साथ नहीं, बीजेपी शुद्ध रूप से राष्ट्रभक्तों की टोली है, मुसलमान भी राष्ट्रभक्त जो होंगे। अब्दुल कलाम को सलाम हमने किया है मान्यवर, अब कैसे कर डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम पर आज विश्वविद्यालय बनाने का आश्रय किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी को जाता है, राष्ट्रपति बनाने का आश्रय भाजपा को जाता है। वैसे मुसलमानों और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की देशभक्ति पर सिर्फ योगी सरकार के इसी विधायक को शक नहीं था, बल्कि कैबिनेट के एक और मंत्री ने उनसे राष्ट्रभक्त होने का सर्टिफिकेट मांगा था। नाम है बलदेव ओलंग। देखो, वीडियोग्राफी कराने का, वीडियोग्राफी वैसी भी होती, मगर हमने इस 15 अगस्त के जश्न को और बेहतर बनाने के लिए हमने कहा था कि उसकी वीडियोग्राफी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो काम तो करते हैं मगर उन्हें पता नहीं लगता उस समय क्या होता, जब बाद में देखेंगे। हम वीडियोग्राफी इसलिए भी कराई और जो अच्छे मदरसे वो करेंगे उनको पुरस्कार भी किया जाएगा। मजहब से देशभक्ति तय करने का नया फॉर्मूला ढूंढा था बीजेपी के बहादुरों ने, लिहाजा विपक्ष ने भी समाज बांटने का आरोप लगाकर सवाल उठा ही दिया। इस तरह की चीजें जो करी जाती हैं, ये सिर्फ ध्यान भटकाने का एक तरीका है कि किसी तरह से मुद्दे को हिंदू मुस्लिम पर ले जाके टिका दें और उस पर लोग बहस करें और हिंदू और मुसलमान अलग अलग तरीके से एक दूसरे वर्गों में विभाजित होते रहे। इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, ये बकवास है, सरकार उनकी है और जांच की मांग कर रहे हैं तो वो जांच कराए, चाहे जो चाहे वो करे। बात करते हैं केवल बंटवारे की, केवल लोगों को दिशा भ्रमित करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश और देश की जनता को दिशा भ्रमित करना चाहते हैं, जिससे कोई विकास की बात ना करे, कोई अपने हक की बात ना करे। क्या भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटों तक पहुंचाने में सिर्फ हिंदुओं का वोट था? क्या एक भी मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं किया? प्रधानमंत्री नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन योगी सरकार के मंत्री और विधायक इस नारे के ठीक उलट काम कर रहे हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन मिन्हाज के साथ अविनाश सिंह।